तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस कोड़ी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह कोड़ी जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एड्स ऑन में आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने जियो टीवी इंस्टॉल करके रखी हुई है और इसमें यहाँ पर आपको चैनल्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जनरल्स में जाके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एंटरटेनमेंट, मूवीज, किड्स, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल वगैरह बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एंटरटेनमेंट में मैं क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे वो एंटरटेनमेंट में कैटेगरी में ये सब चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब इसको क्या करना है, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से ये प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक आपका कोडी और दूसरा आपका यहाँ पे सेंस फाइल टू टीवी। इन दोनों को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको सिंपली अपने जो टीवी है उसके प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। ये दोनों एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना है। सेंस फाइल टू टीवी से आप अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। जो भी मैं जिप फाइल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ पर जो जिप फाइल है वो कोडी का, जियो टीवी का, उसका आपको जिप फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कोडी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आपको दोनों भी ऐप प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएंगे, कोडी और सेंड्स फाइल टू टीवी। ये दोनों एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप पेन ड्राइव वगैरह में भी कॉपी करके यहाँ पे फीचर लगा के आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी परमिशन को सारे सबके अलाउ कर दूंगा मैं। उसके बाद इसको थोड़ा टाइम देते हैं और ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर से एक बार अपनी कोडी जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है उसको उस पर आ जाना है। उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्स ऑन में आपको आ जाना है। उससे पहले आपको फाइल मैनेजर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे एड सर्च पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे नीचे एड सर्च आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नन लिखा होगा, उसके आपको सेंटर बटन ये जो है इसको टाइप दबाना है, प्रेस करना है। प्रेस करते ही यहाँ पर जो URL है वो डालने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब भी मैं URL आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, वही URL डालना। आपको यहाँ पर कोई भी स्पेस वगैरह नहीं देना है। यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ वैसे ही आपको टाइप करके डाल लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा, उसी तरीके से आपको ये URL को टाइप करना है। तो जल्दी से मैं URL को टाइप कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है। आपको यहाँ पे कोई भी स्पेस वगैरह नहीं देना है। यहाँ पे डॉट वगैरह भी आपको मिस नहीं करना है। आपको लेटर्स भी सेम लिखना है। आपको कोई भी यहाँ पर लेटर वगैरह आपको चेंज नहीं करना है। जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ओके को आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पर और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंटर ये नेम ऑफ दिस मीडिया सोर्स करके। उसके आपको यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर जियो टीवी लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर लेना है सेम। उसके बाद यहाँ पर आके ओके कर देना है आपको। तो ये जो हमारा URL है वो आ चुका है यहाँ पे जियो टीवी के नाम से। तो हम क्या करेंगे, बैक आएंगे और यहाँ पर एड्स ऑन में आपको आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल फ्रॉम जिप फाइल। तो आपको यहाँ पे चले जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको सेटिंग पे ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद अननोन सोर्सेज को आपको एनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एस आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। फिर से आपको इंस्टॉल फ्रॉम जिप पे क्लिक कर लेना है। मेरी ऑलरेडी फाइल जो है वो इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड फोल्डर में मैंने ऐड कर ली है। फिर भी यहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि उसको आपको एक सेटिंग करना है, तभी वो यहाँ पर जिप फाइल शो होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक्सटर्नल स्टोरेज में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम डाउनलोड के फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी ऐड कर ली है फाइल, फिर भी यहाँ पर एम्प्टी दिखा रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे यूसी डाउनलोड्स में भी आपको देख लो, यहाँ पर कोई जो है वो फाइल नहीं शो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम फिक्स करेंगे। तो कैसे फिक्स करेंगे, इसीलिए कहता हूँ गाइस, वीडियो को स्किप मत करिए, स्किप करे बिना देखते रहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इसकी जो फाइल है वो शो नहीं हो रही, तो उसको हम शो करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से बैक जाएंगे और जो कोडी है एप्लीकेशन है उसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो आपको क्लोज़ कर लेना है। तो यहाँ पे जाके आपको शटडाउन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
पावर ऑफ का बटन, उसके आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे सेंड्स फाइल टू टीवी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने मोबाइल से मैं जो भी डाउनलोड करके फाइल रखा हूँ उसको हम सेंड करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू टीवी के अंदर, या फिर आप पेंडर वगैरह भी लगा के कॉपी करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको इंटरनल स्टोरेज में फिर से कॉपी करना पड़ेगा अपने पेन ड्राइव से निकाल के। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली इसको सेंड कर देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर अपने फ़ोन में जो है वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जिप फाइल सेलेक्ट करने के बाद उसको हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके यहाँ पे हमें रिसीव पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो टीवी का नाम है वो शो हो जाएगा। आपको सेम हॉटस्पॉट या फिर सेम वाईफाई पे कनेक्टेड रहना है। तो यहाँ पर इसको ये जो फाइल है वो आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड करके भी आप यहाँ पे अपने जो पेन ड्राइव में जो अपने जो जिप फाइल डाली है उसको कॉपी अपने इंटरनल स्टोरेज में कर सकते हो। तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम कोडी को ओपन करके आप फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम जिप फाइल हमने डाली हुई है ऑलरेडी डाउनलोड फोल्डर में जो कि हमने सेंड की थी अभी, वो यहाँ पर शो नहीं होगी। फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर एडवांस में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल फ्रॉम जिप पे चले आते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल पे जाते हैं, फिर यहाँ पर डाउनलोड्स में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से फाइल जो है वो शो नहीं हो रही है। तो इसीलिए कह रहा हूँ गाइस, वीडियो को स्किप मत करिए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे जैसे करता हूँ आप वैसे वैसे करना है। मैं आपको फिर से हम इसको पावर ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऐप्स पे चले जाना है। आपको ऐप्स पे जाने के बाद आपको कोडी जो है उसको होल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे इन्फो मिल जाएगी, यहाँ से अभी आप कर सकते हो। या फिर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली अपने जो सिस्टम है सेटिंग्स में उसमें जा सकते हो। उसमें जाने के बाद आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसमें यहाँ पर डायरेक्टली आपको कोडी का भी ऐप है वो उसका परमिशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली नीचे परमिशंस में चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रिमूव परमिशन इफ़ ऐप इज़ प्रेजेंट, तो यहाँ पर देख सकते हो फाइल्स एंड मीडिया अलो है और यहाँ पर माइक्रोफोन भी अलो है। तो ये इसी का जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, रिमूव परमिशन इफ़ एज प्रेजेंट इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल्स एंड मीडिया पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे अलो ऑल टाइम वे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर इसके लिए इस जगह पे आने हैं तो आपको इसको अलो ऑल टाइम पे आपको क्लिक करके यहाँ पे अलो कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कोडी को ओपन कर लेना है। तो मैं कोडी को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे यही होगी तो यहाँ पे है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे फिर से हम सेटिंग के जो ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद एड ऑन्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल फ्रॉम जिप पे जाएंगे, एक्सटर्नल पे जाएंगे, सेम यहाँ पे डाउनलोड्स में हमको जो है वो फाइल यहाँ पे बूम गाइस देखने को मिल जाएगी। तो आपको इतना ही करना है, इसी का जो है वो प्रॉब्लम हमें हो रहा था। तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे फिर से अपने जो रिमोट में है उसका जो सेंटर बटन है उसको प्रेस कर देना है, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ऐड ऑन अपडेट यहाँ पे आ चुका है, इस तरीके नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। थोड़ी देर आपको वेट कर लेना, आपका जो सिस्टम है पावरफुल नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे ऐड ऑन्स पे आएंगे। ऐड ऑन्स पे आने के बाद यहाँ पे जियो टीवी लिखा हुआ होगा, इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से कुछ एरर मैसेज आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बैक कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर लॉगिन करके आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से आएगा, इसके ऊपर आपको जाना है, होल्ड करके पकड़ना है ये बटन को, सेंटर वाले बटन को। उसके बाद सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड पे आपको चले जाना है, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपका मोबाइल एंटर टाइप करोगे, जो भी आपका जियो सिम का होगा, या फिर अपने दोस्तों वगैरह को भी आपका जियो नंबर लेके उनकी OTP यहाँ पर डाल सकते हो। आपको रेगुलर OTP डालने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम आप डाल दोगे तो आपका जो है JioTV वो वर्क हो जाएगा और बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर डन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर OTP मुझे आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं OTP जो है वो टाइप कर लेता हूँ। तो ये OTP टाइप कर लिया, उसके बाद डन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, लॉगिन सक्सेस। तो इतना आ चुका है, तो हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहना। तो हम सिंपली इसको ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्यूचर लैंग्वेज वगैरह भी आप यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो, जिस लैंग्वेज में भी देखना चाहते हो चैनल्स वगैरह को। तो मैं यहाँ पर जनरल्स पे जाऊँगा सिंपली, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट, मूवीज, किड्स, लाइव स्पोर्ट्स, यहाँ पर बहुत सारे लाइफ स्टाइल इन्फॉर्मेशन वगैरह चैनल्स को आपके लिस्ट मिल जाएगी।
तो कैटेगरीज वाइज भी आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर इन सभी चैनल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस कलर्स HD को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से लाइव जो है वो हमारा चैनल वो है स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम बूट होने में, तो वेट कर लेना। और आपका जो कनेक्शन है उसका भी इसमें हाथ होगा, क्योंकि HD चैनल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। आपका जो इंटरनेट है वो थोड़ा स्पीड होना चाहिए, 10 MB या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं और एक ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आप अगर अपना शो अपना टाइम जो है वो बीत चुका है, 7 या 8 बजे मेरा शो था, अभी 10 बज रहे हैं, तो मैं इसको कैसे देखूं। तो यहाँ पर आप कोई भी आप चैनल अपने सेलेक्ट कर लेना, जिस भी चैनल का आप शो देखना चाहते हो जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ कैचअप ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपने जो मिस कर दिया है TV शो जो आपके देखना चाहते हो, तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, उसको आप यहाँ से वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर बहुत सारे जो शो है वो आ चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो टाइम बज रहा है उससे पहले के जो शो थे वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।